क्वेश्चन नंबर 10 आइए, कह रहा है डीपीपी का प्रश्न नंबर 10, सभी लोग पेपर देखे। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, पहली बात तो कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र है तो तुम बना लो यार। कह रहा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए एरिया बोलते हैं और इसको ए से दिखाते हैं, और ये दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया है। और कह रहा था दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 न्यूटन पर कूलम है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया 75 न्यूटन पर, प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना क्यू कर निकालना है, क्या निकालना है क्यू। अब एक काम कर लेते हैं हीरो, ध्यान देना एकदम, पहली बात तो ठीक है इधर ध्यान दो, पहली बात तो टू टिकटॉक टिक वाला नहीं है, तुम कौन सा कर रहा है, टू टिकटॉक टिकटॉक चलती है ना। तो भैया यहाँ ध्यान दीजिए, मनीष भैया एरिया कितना दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और ई 75 न्यूटन पर कूलम, और क्या पूछा है आपसे क्यू, यानी लड़ाई क्यू की है ठीक है। अब देख लेते हैं क्यू आता कहाँ है, तो भैया अगर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात किया है तो आप जानते हैं E इक्वल टू सिग्मा वाई क्या होता है Q, A प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ध्यान दो इधर, अरे सॉरी E इक्वल टू सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी गलती, A इक्वल टू सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा इक्वल टू होता है Q वाई क्या A, Q वाई क्या A, तो यहाँ सिग्मा की जगह रखोगे तो Q वाई A एप्सिलॉन नॉट आया, हमको किसका मान चाहिए तो इसको यहां भेज दे तो Q इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन नॉट ए ई आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, ए का मान पता है, ई का मान पता है, सब दहेज में आया है कि नहीं आया है। लेकिन दहेज में जो बेटा आया था भैया वो पैर अलग है, उसका पलाई अलग है, सब अलग अलग है, तो पहले उसको बदलोगे, उसको जोड़ोगे ठीक है। तो एरिया दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया है, इसको किसमें बदलना जरूरी है, मीटर स्क्वायर में, किसमें बदलना जरूरी है, एक मीटर स्क्वायर बराबर एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10^-4 मीटर स्क्वायर के। तो भैया गांठ बांध लीजिए, मोबाइल तोड़ दूंगा मैं, और सुबह इसी बात के लिए तुम तोप रहो ना, कामों में बाहर छोड़ के आया करो, कोई बात नहीं हमको भेज दो, हो गया आज 10 तारीख हो गया, एक सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10^-4 मीटर स्क्वायर के, या तो कोई दिक्कत। अब देखो ओए हाई तो ठीक ठाक दिया है, हाइया गड़बड़ है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10^-4 मीटर स्क्वायर के, कोई दिक्कत। अच्छा तो यहां 50 × 10^-4 कितना 4 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत, बातें समझ में आ गई। ये बताइए एप्सिलॉन नॉट पता है नहीं पता है, ये पता है नहीं पता है, ये पता है ना, यहां रख के तीनों गुणा करके बताओ आंसर, शुरू हो जा। चलिए क्यू सॉरी एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10^-1 का मान 50 × 10^-1 ई का मान कितना 75, कितना दिया है 75, 5 × 25 = 5 5×8 = 40 2×42 = 2 5×8 = 40 44 44.25 10^-12 = 16 1×75 16 में से 1 निकलेगा कितना आया 15, ओए 12×4 = 16 होगा, 1 निकल जाएगा तो कितना आएगा 15 − 15, बात समझ रहे हैं, ये जोड़ घटाना वाला पावर वाला जोड़ घटाना बता रहा हूं मैं, जाना हूं इस क्लास में आधे लोग बेहोश हो चुके होंगे, अगर बेस सेम होता है मुझे ये भी बताना है, बेस सेम होता है ठीक है तो पावर आपस में जुड़ या घट सकते हैं, तो −12 − 4 अब कुछ लोग देख रहे होंगे −−, सोच रहे होंगे अरे घट जाता था, नहीं ऐसा नहीं होता, −−, जुड़ता है और माइनस में ही आंसर आता है, तो −12 − 4 − 16 होता है हाई, 10 मतलब होगा 10^1 तो −16 और 10^1 कितना होगा 10^-15, कितने लोग इसमें जी अपना जा रहा है, लिख लिख नहीं बता पा रहा था टेन ठीक है। अच्छा इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा,
कितना आएगा? 3518 10 पे घाते माइनस 10 कितना अंक? 3.318 को 2 लिख लो, माइनस 15 आया है। कोई दिक्कत? बातें समझ में आ रही है? ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर है, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, मतलब सिग्मा दिया है। 11 नंबर सवाल में कह रहा है दो प्लेटों का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा दिया है, 1.77 × 10⁻¹¹ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और कह रहा तथा विपरीत चिन्हों का है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र कितना है, मतलब ई पूछा है। क्या पूछा है? ए। कह रहा है दो प्लेटें हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे कैसा चार्ज? और एक पे निगेटिव चार्ज। कह रहा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बताओ, सिग्मा पता है तो E इक्वल टू, आप लोग जानते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा बाई क्या होता है, इस फॉर्मूले को लगा लीजिए आंसर आ जाएगा। E सिग्मा का मान कितना है? 10⁻¹¹ कितना? और 8.10⁻¹¹ ऊपर जाके, और 1.77 × 8.11 में से 12 निकल गया, कितना 10⁻¹⁹ कितना आएगा? 1। और 10 का गुणा करेंगे तो 17.16 कितना बटे 8.16 भाग दिए तो कितना आया? 2। E बराबर 2 न्यूटन पर कूलाम, और इसमें कितना दिया हुआ है? कितने लोग का 20 आ गया है? कैसे? गलत है। आंसर कितना है? 2। सुधार कर लीजिए, डीबीपी में आंसर हो गलत हो, 20 नहीं हो, कितना है? 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सवाल अच्छा है, सभी लोग ध्यान देंगे, बातें बंद। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है सुनिए, लगाना आप ही लोगों का है, खास करके जितने लोग मार खाए हैं, जितने लोगों को अभी प्रसाद मिला है, ठीक है, उन बच्चों से तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मैं तरीका मैं सब कुछ कर दे रहा हूं, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना रहेगा। सवाल ये है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, देवता लोग ये संधारित्र है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 cm² है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर 0.05 cm, कह रहा है इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पे, इसके बीच में कोई एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, एक कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया, कह रहा है इसकी जो धारिता है वो 3.54 × 10⁻¹⁹ फैराड हो जाती है, तो k का मान बताओ। तो हीरो लोग ध्यान दो, पहले एरिया लिखा हुआ है, तो पहले इसको इस सेंटीमीटर स्क्वायर में है, किसमें है, तो आपको इसको मीटर स्क्वायर में बदलना आवश्यक है, तो इस 100 cm² को लिखोगे 100 × 10⁻¹⁴, क्योंकि इसके बराबर 10⁻¹⁴ मीटर स्क्वायर के होता है, कोई दिक्कत इसमें? और सेंटी का मान 10⁻¹⁪ कितना? 2। तो ये हो गया 0.05 × 10⁻¹⁪ 2। अच्छा 0.02 अंक इधर ले आओ, 5 × 10⁻¹⁪ 4 मीटर, कोई दिक्कत यहां तक? विदाउट यूनिट कन्वर्जन यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इतना मेहनत से इंग्लिश बोले हैं, अगर तुम चाहते हो कि सवाल लगे तो यूनिट बदलना सीखो, सेंटीमीटर, मीटर, माइक्रोमीटर, ये सब बदलना जानना चाहिए, और नहीं अगर जानते हो तो देखो मैं कैसे बदल रहा हूं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह तुम 10⁻¹⁴ मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, सेंटी का मान 10⁻¹⁪ मीटर, ठीक है, 0.02 अंक इधर लाओगे तो पावर और 2 और घट जाएगा, तो -2 -2 -2 कितना हो गया 4। अब k निकालना है, तो देवता लोग
फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू के एप्साइलन नॉट ए बाई क्या डी, इससे हम गुणा कर दो तो सी डी डिवाइड बाई के एप्साइलन नॉट क्या ए, इससे भाग दे दो तो के इक्वल टू आएगा सी डी डिवाइड बाई एप्साइलन नॉट इंटू क्या ए। अब सी का मान पता है नहीं पता है? अरे पता है। डी का मान पता है, एप्साइलन नॉट का मान पता है, ए का मान पता है, रख के सॉल्व कर दोगे आंसर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? ये हर एक फार्मूला एक का है, इधर का कोई चीज उधर जाता है, अगर इधर कोई चीज गुणे में तो उधर जा क्या होगा भाग, जोड़ में क्या होगा गुणे में क्या होगा जिंदा ही नहीं है। रख के सॉल्व करिए जल्दी। हाँ कल हमको लेना ही था, इस महीने में लेते कहीं पे नहीं के। ओए रो सी की वैल्यू 3.54 × 10 में घाते माइनस 10। डी का मान एप्साइलन नॉट का मान और ए का मान 100 × 10 में घाते माइनस हाई वाला सीधे सीधे करेगा 5×4=20 के 0, 5×5=25, 2×27 के साथ 2×5=15 = 17, 8.85, 10 पे घाते माइनस कितना 10, अच्छा 2×10 पे घाते माइनस कितना 10, ये वाला अच्छा 8×2 के बराबर 2, कितने लोग का के बराबर 2 आ गया था, समझ में आया? अच्छा ये देखने में कैलकुलेशन कितना कठिन लग रहा था, लेकिन देख लो एग्जाम में ऐसे ही कैलकुलेशन देता है, एग्जाम में ऐसे ही कैलकुलेटिव वैल्यू देगा, अगर आपने दिमाग सही लगाया कैलकुलेट करके आंसर ला दिए। अब सोच लो अगर कौनो 3.54 में 8.85 से भाग देना शुरू किया, ठीक है तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है फिर जो आए उससे भाग दो तो बहुत परेशानी में आ जाओगे। इससे अच्छा है भैया कि सिंप्लीफाई करने का तरीका देखो, तुमको दिखना चाहिए किसका गुणा कर दें किससे भाग देंगे तो हो जाएगा, ठीक है चलिए नोट कर लीजिए इसको।